हम इस प्रकार से बराबर त्रिज्याओं वाले चार्ट पेपर से कुछ गोले काट लेंगे। उसके बाद प्रत्येक गोले में एक त्रिज्या पर हम कैंची की मदद से कट लगा देंगे ताकि वह इस प्रकार का दिखाई दे। जब सभी गोलों में इस प्रकार से कट लिखेंगे तो अब हम इन कट्स में से इन गोलों को एक दूसरे में इस प्रकार से फैला लेंगे, फंसा लेंगे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे चार्ट पेपर्स को इस त्रिज्या में एक दूसरे के बीच में फंसाया। अब यहाँ पर हम इस चार्ट पेपर पर 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से 360 डिग्री तक के कोणों को अंकित करेंगे। अब हम मान लीजिए हमें चार या पांच चीज़ों के बीच में पाई चार्ट बनाना है, तो हम इस पाई चार्ट को यहाँ बीच में रखने के बाद ये जो विभिन्न कलर के चार्ट्स हैं इनको घुमाकर जिस डिग्री पर हमें इनको लगाना है उस डिग्री पर ये डी की मदद से हम पाई चार्ट्स के अलग अलग कोणों के आधार पर इस पाई चार्ट को दर्शा सकते हैं। सो ये एक पाई चार्ट विभिन्न विभिन्न कलर्स में हमारे पास तैयार हो जाएगा। सो देखा आपने, इस प्रकार से हम खेल खेल में ही पाई चार्ट बनाना सीख सकते हैं।